नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आज बात करेंगे चीन और अमेरिका के बाद अब जानलेवा कोरोना वायरस ने जापान पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और साथ ही अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामले ने सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। आंकड़ों का अध्ययन करने वाली वेबसाइट वॉल्यूमीटर के मुताबिक दुनिया में कल कोरोना से, बता दें कि 1374 लोगों की मौत हुई है। बड़ी बात यह है कि कल जिस देश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई है वह चीन या अमेरिका नहीं बल्कि जापान है। जापान में कल कोरोना से 339 लोग मर गए हैं। साथ ही बता दें कि वॉल्यूमीटर के मुताबिक कल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 4,92,017 केस दर्ज किए गए हैं जबकि 1374 लोगों की मौत हुई है और साथ ही 331,027 लोग ठीक हो गए हैं। पूरी दुनिया में अब कोरोना के 2,22,06,660 एक्टिव केस हैं। वहीं इसमें से 38,406 लोगों की गंभीर रूप से बीमार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, बता दें कि WHO के महानिदेशक ट्रेड्रोस अदमोद ग्रेवर्सर्स ने कहा है कि संगठन में चीन के कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की खबरों को लेकर बेहद चिंतित है क्योंकि देश में अपनी शून्य कोविड नीति को मोटे तौर पर छोड़ दिया है जिससे परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोविड 19 को लेकर सरकार अलर्ट है और सम्मानित तीन सांसद ने मंडाविया का स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग। देश के केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को लेकर आज यानी कि शुक्रवार राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं बता दें कि मांडविया ने भारत की तैयारियों पर गुरुवार को राज्यसभा में स्वतः संज्ञान लेते हुए बयान दिया है। मांडविया ने कहा है कि हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। चीन और भारत के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है लेकिन लोग दूसरे रास्ते से आते हैं। उन्होंने कहा है कि ध्यान यह सुनिश्चित करने पर कि वायरस का कोई अज्ञात स्वरूप भारत में प्रवेश ना करे और साथ ही यात्रा करने में कोई बाधा ना हो। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा है कि राज्य सरकार कोविड 19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अधिकारियों को राज्य में रोजाना की जाने वाली कोविड 19 की संख्या बढ़कर 10,000 करने के लिए कहा है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने विभाग के अधिकारियों और साथ ही चिकित्सकों साथ ही मेडिकल कॉलेजों के निर्देशकों के साथ मिलकर राज्य में कोविड स्थिति की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने उससे कहा है कि यदि कोरोना वायरस ने नए स्वरूप का संक्रमण फैलता है तो वह उससे निपटने के लिए कमर कस ले। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में फिर से मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे घोटाले सामने आया है। सीबीआई ने पीएनबी के एक अधिकारी के खिलाफ 34 फर्जी बैंक गारंटियों के जरिए कथित रूप से, बता दें कि 168.59 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह बैंक अधिकारी अब निलंबित है। वहीं मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की जोड़ी द्वारा कथित रूप से साख पत्र और या गारंटी के जरिए किए गए घोटाले के करीब 4 साल बाद इसी तरह का यह पहला मामला है। एफआईआर के मुताबिक बैंक अधिकारी प्रिय रंजन कुमार ने यही तरीका अपनाकर 34 जाली बैंक गारंटियां जारी की है और इसकी बता दें कि प्रविष्ट कोड बैंक प्रणाली फेंसकल में दर्ज की गई है। प्राथमिकता के अनुसार 27 नवंबर 2022 के अंतरिम जांच रिपोर्ट के अनुसार यह तथ्य सामने आया है कि बैंक के प्रणाली के अवैध और साथ ही अनधिकृत उपयोग के माध्यम से कुछ अज्ञात व्यक्तियों की मिलीभगत से बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा इन फर्जी बैंक गारंटी का बैंक ने
फेनकल प्रणाली में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। यह नया घोटाला तब सामने आया जब कैनरा बैंक की कोहिमा शाखा में 18 नवंबर को पीएनबी के सांसद मार्ग शाखा के 5.70 करोड़ के रुपए के बैंक गारंटी कथित तौर पर जारी करने की सूचना भेजा गया। सीबीआई ने कहा है कि गारंटी पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक प्रिय रंजन कुमार सहित पीएनबी के 2 कर्मचारियों को हस्ताक्षर किए थे, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारी अपने अजब गजब कारनामों के लिए चर्चा में बने रहते हैं और आज हम आपको विकास विभाग के कैसे अधिकारी का कारनामा दिखाएंगे, जिसे देखकर यकीनन आपकी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर किस मंशा के तहत योगी सरकार के इस अफसरों ने यह कारनामा कर दिखाया है। बस्ती के मुख्यालय में 20 किलोमीटर की दूर पर एक ब्लॉक है जिसका नाम है, आपको बता दें कि कुदराहा, और इस ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले गाँव गौरा धुंधा में बनाए गए सामुदायिक शौचालय की तस्वीर आपको अचरज में डाल देंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से शौच के साथ ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया वाकई में गजब का है। क्या कहने इस उन इंजीनियर की जिसने, जिसको बता दें कि जी के और प्रधान जी जिन्होंने एक ही टॉयलेट में रूप में अंदर 2 सीट बैठाकर कारनामा कर दिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस मंशा के तहत जिम्मेदारों को एक टॉयलेट के अंदर 2 सीट लगा दी गई। क्या अधिकारी यह चाहते हैं कि 2 लोग एक साथ शौच करें? वही उसकी नजाकत, उनकी निजता का यह हनन हो रहा है। और साथ ही बता दें कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक ही टॉयलेट के अंदर 2 शौच बनाया गया है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही बता दें कि गौरा धुंधा गांव में सेक्रेटरी और साथ ही प्रधान की 10 लाख की लागत से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने को लेकर आज तक इस सामुदायिक शौचालय का कोई भी व्यक्तिगत उपयोग नहीं कर पाया है। इसके पीछे का कारण है कि शौचालय बनाए तो गए हैं मगर दरवाजे नहीं बनाए गए हैं, जिसके वजह से यहाँ पर इस शौचालय का कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। जहाँ पर सामुदायिक शौचालय बना है, कहीं रूम के अंदर 2-2 सीट लगा दिए गए हैं, ये प्रकरण आपने मौके पर जाकर खुद देखा, क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें संबंधित सचिव को स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उसे इस नोटिस का जवाब मांगा गया है कि किन कारणों में ऐसा हुआ है, और अभी जवाब अभी तक आया नहीं है। जैसे भी जवाब होता है फिर जांच करा के आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम, मौके पर आप गए थे, आपने क्या देखा वहाँ, क्या कमियां मिली हैं? हाँ, शौचालय में दरवाजे नहीं लगे हैं और एक ही कक्ष में 2 सीट स्थापित कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित सचिव से मांगा गया है रिपोर्ट कि किन कारणों से ऐसे किया गया है, संबंधित कार्रवाई संबंधित विभाग आगे की जाएगी। हरदोई के जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज ब्लॉक सुरसा की ग्राम पंचायत गुरु गुज्जा में संचालित कस्तूबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने भोजनालय, भोजन कक्ष, पेयजल, विद्युत आदि व्यवस्थाओं को देखा और साथ ही विद्यालय के छात्राओं को नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था न होने से वार्ड वसुधा को निर्देश दिए हैं कि छात्रों को नहाने के लिए गर्म पानी उपलब्ध कराने के लिए 2 गीजर लगवाए जाए। साथ ही बंदर विद्यालय की छत पर ना आए, इसके लिए चारों तरफ से कटीले तार भी लगाए गए हैं। आवासीय बालिका विद्यालय है यहाँ सुरसा विकास खंड में, आज उसी का निरीक्षण किया है। अच्छा लगा बच्चों के बीच में, उनके टीचर्स भी हैं और वार्डन भी हैं। कुल 100 बच्चे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, क्लास 6, 7 और 8 के क्लासेस चलते हुए पाए गए। बच्चों से बातचीत की गई, बच्चे खुश थे उनके बीच में, हमने भी कुछ बच्चों से पूछा, बातचीत किया, रिएक्शन बड़ा अच्छा रहा। कुछ प्रॉब्लम्स भी छोटी मोटी बच्चों की बताई गई, उस प्रॉब्लम्स को भी हम सॉर्ट आउट कराएंगे। बट कुल मिला जुला करके अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया है और पठन पाठन का माहौल अच्छा है। के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है और अच्छे नागरिक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए
सर ने बताया था कि सर ने पूछा भी था कि राष्ट्रपति कौन है, और सर यही सब पूछा था। सर उन्होंने हम लोग की प्रॉब्लम्स पूछी, हम लोगों से सवाल वगैरह क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने कहा कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को मतलब हल मतलब सॉल्व कर देंगे, और उन्होंने हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे पढ़ाई से रिलेटेड, और हम लोगों ने उनका जवाब दिया। बस्ती डीडीसी कोर्ट में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब वकीलों ने एक फर्जी वकील को पकड़ लिया और उस पर बिना रजिस्ट्रेशन के बता दे कि प्रैक्टिस का आरोप लगाते हुए फर्जी वकील बता दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वकील ओकार नाथ यादव को पकड़कर कोतवाली ले गई, जहां पर आरोपी वकील कोई कागजात नहीं दिखा सका। वही पुलिस ने शांति भंग में चालान करते हुए वकील को जेल भेज दिया है। सूचना के अनुसार बता दें कि ओकार नाथ यादव आरटीआई एक्टिविस्ट और साथ ही एक साल में डीडीसी कोर्ट में जमीन के एक मामले में वकील बनकर प्रैक्टिस कर रहे थे। आपको बता दें कि पकड़े गए वकील ओकार नाथ यादव ने सीआरओ अनिता यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे क्लाइंट्स का 50 बीघा जमीन दूसरे के नाम पर कर दिया है, जिसने हमने सभी एडवोकेट लगाए हैं और साथ ही रिकॉल लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में 27 सेशन की फाइल लगाई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हायरिंग के डेट लगाए गए हैं, जिससे ये बौखलाई गई है। साथ ही बता दें कि बाढ़ एसोसिएशन के लोगों को बुलाकर हमको अरेस्ट करा दिया गया है। हाँ, सीआरओ मैडम ने एक क्लाइंट का 50 बीघे खेती दूसरों को दे दी, लिख दी थी, हमने सभी एविडेंस लगाए थे। इसके बाद हमने रिकॉल लगाया, सुप्रीम कोर्ट में 27 सेक्शन का फाइल लिखा, जिसमें कोतवाली इंस्पेक्टर को भी कॉपी दिया, एसपी को भी कॉपी दिया। इसके बाद उसी मेरे एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को हियरिंग का डेट लगाया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ये बौखला गई, बौखलाने के बाद हमको जो है 12 सेशन के लोगों से बुला करके अरेस्ट करा दिया। मैटर ये है, आज क्या मामला हुआ? आज मैटर ये था कि हमको डेट लगी थी जी, विपक्षी से हमने मैडम से कहा कि पूरी एविडेंस जो है 72 से तलब किया जाए। ये वकील के तरफ से पैरवी करने आए थे, इनके विपक्षी वकील जब पूछे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका वकालतनामा कहाँ है, तो उसको जमान लगाने से इनकार की। इनसे पूछा गया कि आप यूपी दिल्ली महाराष्ट्र किसी बार में रजिस्टर्ड हैं, ये वो आईडी दिखाने को मतलब सहमत नहीं हुई। फिर उस सीआरओ मैडम ने इनसे कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं ना ये कुछ बता रहे हैं, केवल एक ही बार ये रट रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, केवल एक ही बात ये कह रहे हैं। कल शाम 4 बजे सीआरओ मैडम डीडीसी के तौर पे अपने न्यायालय में बैठी हुई थी, तो एक आदमी जो अपने आप को वकील बता रहा था, जो कि असल में एक आरटीआई एक्टिविस्ट था, वहाँ पे हंगामा कर रहे थे। तो मौके पे पुलिस वहाँ पे पहुंची और शांति भंग के अंदेशे में उसको गिरफ्तार कर लिया। आगे क्या कुछ कार्रवाई उसके ऊपर की गई है, क्या उसको जेल वगैरह भेजा गया है? हाँ, उस पर अभी विधिक कार्रवाई आगे चल रही है और जो भी न्याय संगत अभिधिक होगा वो आगे किया जाएगा। जनपद बरेली के इज्जत नगर स्टेशन पर स्थित मजार को हटाने को लेकर मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तक कुछ भी दिन पहले इज्जत नगर रेलवे अधिकारियों द्वारा एक नोटिस चिपका दिया गया, जिसके मजार को हटाने को लेकर कहा गया है। वही मजार की देखभाल करने के लिए व्यक्तियों से बातचीत की गई है, उन्होंने कहा है कि मजार लगभग सन 1500 से यहाँ पर है, मौजूद है। पहले यह मजार पटरिया के बीच मौजूद था और अब स्टेशन के विस्तार के कारण यह स्टेशन के ऊपर बनी हुई है। चस्पा किए गए नोटिस में अनुसार मजार हटाने को लेकर प्रशासन ने 27 दिसंबर का समय दिया है। वही बता दें कि ईएमआई अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने इसको लेकर सख्त रुख अख्तियार करते हुए तथा शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि इस प्रकार का मनमानी में कोई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत पुरानी दरगाह है, अंग्रेजों के जमाने से भी पहले की दरगाह है, 1564 ईस्वी में ये की दरगाह है और अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहाँ आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं है आने वाले यात्रियों को। अभी इससे पहले जो डीआरएम थे
डीआरएम साहब थे तो वो यहाँ आते थे, नमस्ते करते, बाबा को जाने वाले थे या जो भी इससे पहले एक मित्तल साहब आए थे, चेयरमैन साहब थे और डीआरएम साहब थे, सब यहाँ मानने वाले हैं। अभी हाल ही में लगभग एक डेढ़ महीना पहले एक नई डीआरएम आई है, रेखा यादव जी। कल हम उन लोगों से जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने ये हमसे कहा कि ये हमें सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला है कि जहाँ जहाँ भी मजार मंदिर हैं उन सब पे ये नोटिस चिपका किया जाए और उनको सबको हटाया जाएगा। हमने उसकी वजह पूछी जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो हमको नहीं दिखा पाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। पवन, इस मामले को लेकर अब क्या कुछ प्रशासन का कहना है और प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रही है? प्रशासन ने इस मामले में 27 तारीख को जो नोटिस जो गाइडलाइन जारी की है उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और पूरे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं आईएम अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां के कल आने पर प्रशासन ने किसी तरह उन्हें आश्वस्त करके वापस तो भेज दिया है मगर मामला अभी भी गरमाया हुआ है। पवन, इस दौरान क्या प्रशासन वहां स्टेशन पर मौजूद है और इस दौरान लोगों को वहां किस तरीके से, प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से कंट्रोल करते हुए प्रशासन नजर आ रही है? प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त करके भेज दिया गया है, प्रशासन वहां ऑलरेडी मौजूद है मैम। अब वही इस चीज पे भी देखा रेख करी जा रही है कि आने वाले यात्रियों किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, पूरी फोर्स मौके पे फुल मुस्तैद है। पवन, इस दौरान ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से मजार हटाने को लेकर प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट नजर आ रही है और जिस तरीके से वहां प्रदर्शनकारी मौजूद थे, प्रदर्शनकारियों का इस दौरान क्या कुछ कहना था? प्रदर्शनकारियों का यह कहना, ये मजार अंग्रेजों के समय से है और ये जितनी भी रेलवे परिसर की जमीन है ये मजार के अधीन आती है और इसके बाद में इसके रेलवे स्टेशन का इसमें निर्माण हुआ। इसके विस्तारीकरण को लेके पहले ये जो मजार थी पटरियों के जस्ट बीच में थी मगर विस्तारीकरण के बाद इसको मजार को प्लेटफॉर्म को ऊपर कर दिया गया और यहाँ आने वाले सभी लोग बड़ी तादाद में यहाँ लोग पूजा पाठ दुआएं मांगने आते हैं जिनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। पवन, जिस तरीके से मजार हटाने को लेकर वहां पर लोग मौजूद थे और जिस तरीके से लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया है, वहीं अब प्रशासन इसको लेकर किस तरीके से अपना रुख अख्तियार करेगी, कब तक इस मजार को प्रशासन हटाएगी, क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी पे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को बता दें कि जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में आए हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। और अगली खबर कासगंज से आपको बता दें, जहां पर बता दें कि अलाव व्यवस्था को लेकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और जिला अधिकारी हर्षिता माथुर रात्रि में भ्रमण करने निकली और इस दौरान उन्होंने शहर भर के नगर पालिका द्वारा सर्दी से बचने के लिए की गई अलाव व्यवस्था को लेकर औचक उन्होंने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ठंड से ठेठोर रहे गरीबों और साथ ही असहाय लोगों को जिलाधिकारी ने कंबल वितरण किया है और साथ ही निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रेन बसेरों का भी निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आपको बता दें कि माल गोदाम रोड, गांधी मूर्ति, सोरोन गेट और नगर पालिका समेत सभी चिन्हित स्थानों का निरीक्षण वे करते हुए नजर आई है।
अब खबर सीतापुर से है, जहां पर आग लगने का ये मामला सामने आया है और इस दौरान अफरा तफरी का एक माहौल देखने को मिला है। बता दें कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और साथ ही बताया जा रहा है कि आग रात में लगी जब सभी लोग घर में सो रहे थे। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटें विकराल रूप धारण कर चुकी थी। लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, वहीं घर में बंधे 3 मवेशी जलकर दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो गई है। साथ ही घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया है। मामला कोतवाली लहनपुर के शाहपुर गांव का बताया जा रहा है। और अगली खबर बांदा की इससे है, जहां पर एक महिला पर युवक ने 40 लाख रुपए लूटने का आरोप लगा है। दरअसल महिला ने युवक को अपने बता दें कि प्रेम जाल में फंसाकर 40 लाख रुपए लूट लिए हैं। वहीं आरोपी महिला की सच्चाई जानने के बाद युवक ने महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि एक शराफा व्यवसायी की भी महिला के प्रेम जाल में लूटकर बता दें कि खुदकुशी कर चुका था। इसके बाद से यह खबर अखबार में भी छपी हुई थी और उसके बाद से पुलिस ने यह मामले पर कार्रवाई करते हुए नजर आई है। वही आरोपी महिला का पति और भाई गिरोह बनाकर लोगों के साथ लूट करते थे। जब युवक को परिजनों से शिकायत की तो आरोपी झूठे मुकदमे में फंसाकर बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। वही यहाँ बता दें कि शराफा व्यवसायी की आत्महत्या मामले में जेल जा चुके हैं और साथ ही महिला फिलहाल जमानत पर बाहर थी। जो अभी सराफे के वाले व्यक्ति को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, उसे काफ़ी पैसा उसने ऐठा था और पैसे मांग रही थी। इस बात से क्षुब्ध होकर व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसको उसको जेल भेजा गया था। एक दूसरा प्रकरण आया है जिसमें एक उसी कम्युनिटी के व्यक्ति ने उससे फेसबुक पे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद वो उसके साथ काफ़ी निकट आ गया। बाद में उसको पता चला कि उससे शादीशुदा है, लेकिन जो कि उसके पास तमाम आपत्तिजनक तस्वीरें और फोटो थी, उसने उससे बहुत सारा पैसा लगभग 30-40 लाख रुपए ले लिया, अपने खाते में डलवा लिए। इस बात के प्रमाण मिले हैं, इस बात पे उसको जेल भेजा गया है। गोरखपुर जिला अस्पताल में मरीज के घुटने का सफल प्रत्यारोपण के बाद से लोगों में चर्चा की सरकारी अस्पताल में भी सफलतापूर्वक सर्जरी की जा सकती है। इस तरह का ये पहला ऑपरेशन है जो गोरखपुर के जिला अस्पताल में हुआ है और प्रदेश भर में कुल मिलाकर तीसरा या चौथा मामला है। लोग डॉक्टरों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। इस ऑपरेशन के बाद से लोगों का सरकारी अस्पताल प्रति विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि घुटनों की सर्जरी प्राइवेट अस्पताल में ही बड़ी महंगी होती है, लेकिन जिला अस्पताल में सफलतापूर्वक और साथ ही कम पैसे में सर्जरी होने कहीं ना कहीं अभी भी सिस्टम पर विश्वास कायम करता है। सफल ऑपरेशन के बाद से लोग डॉक्टरों की प्रशंसा के साथ ही जिला अस्पताल में प्रति विश्वास भी जता रहे हैं। करा है टोटल नी रिप्लेसमेंट पहली बार करा गया जिला अस्पताल में। हमारे पास एक मरीज नरगिस वानो करके आई थी, जो सूरजकुंड तिवारीपुर थाने की रहने वाली थी, और उनके घुटने में कई दिनों से दिक्कत चल रही थी। कई लोगों को उन्होंने दिखाया था, आराम नहीं मिल रहा था। मुझे भी उन्होंने दिखाया, मैंने उनको रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस करा था, क्योंकि कभी यहाँ हुआ नहीं था और यहाँ मेडिकल कॉलेज में होता था, तो हम लोगों ने उनको मेडिकल कॉलेज में कराने की सलाह दी। बट वो इंसिस्ट करने लगे कि नहीं साहब, हम आप ही से यही कराना चाहते हैं। तो हम लोगों ने मिल करके उनकी जांच कराई, मैंने और मेरी टीम ने, और क्योंकि पहले कभी सोचा नहीं था, हमारे पास ओटी वगैरह मॉड्यूलर नहीं थी, अब हमें मॉड्यूलर ओटी मिल गई है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट से मिले हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए हम अपने आप को पहले भी मान के चल रहे थे कि जब भी मौका मिलेगा हम रिप्लेसमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि मरीज ने कोडिलसिस करा और परमिशन लेने के बाद हमने उसके लिए डीकेआर के लिए प्लान करा यहाँ पे, और सोमवार को उनका पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा करके उनके पूरा पीएससी प्रोफाइल और वैनेस चेकअप वगैरह कराने के बाद सोमवार के लिए पोस्ट करा था, और मंडे को हमने उनका सफलतापूर्वक घुटनों का सफल ऑपरेशन
सरकारी अस्पताल में होने के बाद से वहाँ के डॉक्टर और साथ ही वहाँ जो पीड़ित थे और साथ ही वहाँ के जो डॉक्टर है और साथ ही पीड़ित महिलाएं जो थी और साथ ही वहाँ जो हॉस्पिटल में जो लोग थे वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल के बाद अब सरकारी हॉस्पिटल में भी इस तरीके के बड़ा ऑपरेशन होना कहीं ना कहीं सफलता का तरफ एक और कदम करते हुए नज़र आया है। चलिए, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।